अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैबूर परवेज और आज हम इंटरनेट में लेसन नंबर 14 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू अपलोड योर डेटा इन गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव में आप अपना डेटा कैसे अपलोड कर सकते हो, एंड हाउ टू यूज प्ले फंक्शन इन गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव में प्ले फंक्शन का क्या फंक्शन है, और इसके अलावा हाउ टू ट्रांसलेट द लैंग्वेज, लैंग्वेज को ट्रांसलेट कैसे कर सकते हो किसी भी लैंग्वेज को। तो इसके लिए मैं ओपन करता हूँ अपना जीमेल का अकाउंट, और यहाँ पे अगर आप देखें इस बटन पे, यहाँ पे क्लिक करें तो इसमें डिफरेंट अकाउंट हैं, डिफरेंट फंक्शन है। तो इसमें सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो सर्च से क्या होता है कि आप सर्च अगर करना चाहें कोई भी चीज़ को, आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। वैसे भी हम जो सर्च करते हैं इसी में होता है प्ले, प्ले के पे क्लिक करें तो प्ले में क्या होता है कि आपने अक्सर जो आप जो लोग प्ले स्टोर यूज कर रहे हैं तो ये गूगल प्ले यूज करना, तो वो क्या करते हैं कि वो यहाँ से गेम्स वगैरह, ये डिफरेंट फीचर्स होते हैं, गेम्स होती हैं, इसके अलावा वो भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप यहाँ से, सोशल मीडिया होते हैं, आप अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, शो मोड पे क्लिक करें तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारे यहाँ पे फीचर हैं इसके। और एप्लीकेशन वगैरह आप यहाँ पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में, अगर आपके पास एंड्रॉइड एप्लीकेशन या एंड्रॉइड मोबाइल है तो आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक वगैरह अगर आपने डाउनलोड करनी है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अक्सर आप लोग जब भी कोई एंड्रॉइड मोबाइल लेते हैं तो उसमें आप अकाउंट आपको बनाना मस्ट होता है, तो आप जो अकाउंट बनाते हैं वो जीमेल का अकाउंट होता है, तो जीमेल के अकाउंट से ही आप ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप बस यहाँ पे न्यूज है, न्यूज वगैरह अगर आपने देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, सर्च करना चाहते हैं न्यूज तो आप लेटेस्ट न्यूज भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं, न्यूज को पढ़ सकते हैं, सारी सारी ये न्यूज आ गई है। तो ये सारे फंक्शन आपके पास योहो में भी थे, जीमेल है, अभी हम जीमेल ही ओपन, जीमेल में ही है, और ड्राइव, ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ड्राइव का फंक्शन ये कि आप अपना डेटा, जो आपका इंपॉर्टेंट डेटा है वो आप गूगल ड्राइव के अंदर अगर आप अपलोड करना चाहते हैं आपको अपलोड कर सकते हैं। इसमें आपको तकरीबन 15 GB तक स्पेस लिमिट दी जाती है, आप तकरीबन 15 GB तक अपने डेटा को इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट डेटा है। उसके अलावा आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, वो सारा डेटा आपके फ्रेंड भी वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपलोड करने के लिए आप देखें, ये आपके पास ड्राइव है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इस ड्राइव को आप पीसी के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ पे तो उस ड्राइव में या उस फोल्डर में जितना भी डेटा होगा आपको तकरीबन कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 15 GB तक स्पेस दिया हुआ है। तो अब देखें गूगल ड्राइव है आपके पास यहाँ पे, इसको डाउनलोड करेंगे मैक एंड पीसी में। आप बस अक्सर यही चीज जो है एंड्रॉइड मोबाइल में भी होती है, एक्सेप्ट इंस्टॉल पे क्लिक करें, डाउनलोड होने के बाद जब आपके पास इंस्टॉल होगी तो मेरे पास शायद के यहाँ पे है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास वन ड्राइव है, वन ड्राइव एक अलग से एप्लीकेशन है। अब वन ड्राइव के अंदर भी जब मैं कोई चीज सेंड करूंगा या इसके अंदर जो भी चीज मैं अपलोड करूंगा तो वो डायरेक्ट मेरे अकाउंट में चली जाती है। अब इसी को इस तरह मैं इसको ओपन फोल्डर करता हूँ, गूगल ड्राइव मेरे पास आ गया, इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ। Yes. इंटरनेट के साथ ये कनेक्ट हो रही है, डाउनलोड हो रही है और अभी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गूगल ड्राइव जब इंस्टॉल हो जाएगी तो आप डायरेक्ट अपने फोल्डर या जो चीजें आप अपलोड करना चाह रहे हैं अपनी ड्राइव में, अपनी ड्राइव में, और आप चाहते हैं कि ये आपका डेटा हमेशा महफूज रहे और आपके पास गूगल ड्राइव में हमेशा सेव रहे, तो उसके लिए आप यहाँ से इसको, उस डेटे को आप उस ड्राइव में मूव कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि नहीं, आप अपलोड करना चाहते हो, आप अपलोड भी कर सकते हैं, न्यू पे क्लिक करें,
फोल्डर बनाना है, फोल्डर आप बना सकते हैं, फाइल को अपलोड करना चाहते हैं, फाइल को अपलोड पे क्लिक करें, कोई भी फोल्डर बना के आप अपलोड कर सकते हैं। ये फाइल है मेरे पास दो, फॉर एग्जाम्पल ये दो तीन पिक्चर है, ओपन करता हूँ इनको, अपलोड करता हूँ, तो ये देखिए दोनों अपलोड होना स्टार्ट हो रही है, एक अपलोड हो रही है, हो गई है, दूसरी भी अपलोड होगी, और ये हमेशा यहाँ पे मेरे को सेव रहेंगी, सेव हो गई। अब इनको मैं यहाँ से प्रीव्यू कर सकता हूँ, ओपन विद, इनको ओपन कर सकता हूँ, गूगल ड्राइव में ओपन करना चाहता हूँ ओपन कर सकता हूँ, और इनको शेयर कर सकता हूँ। शेयर का फंक्शन ये है कि आप शेयर करें इसको, अपना नाम दें, ईमेल एड्रेस दें, किस किस को अपने शेयर करना है, जिसको आप शेयर करना चाहते हैं आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, या फिर आप जिस तरह सेंड करते हैं आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं अपने डेटा को, तो बस ये हमेशा यहाँ पे सेव रहेगी चीजें। इसे जो चीजें आप अपलोड करेंगे, बस मेरे ड्राइव में ये डाउनलोड हो रहा है, तो डाउनलोड होने के बाद जब जो भी चीज़ आप ड्रैग करके कॉपी करके या इसमें पेस्ट करेंगे तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली अपलोड होना स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। और डिलीट करना है, कोई भी चीज़ डिलीट करनी है तो आप उस पर क्लिक करें, और यहाँ से देखें डिलीट का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे डिलीट हो जाएगा। जब भी आप ये लिंक देंगे, ये वाला जो लिंक है, आप इसका अलग से लिंक है, इसका अलग से लिंक है, ये लिंक जब भी आप देंगे किसी को, तो जब भी वो लोग, कोई भी बंदा इस लिंक पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट इस ड्राइव में आ जाएगा, और यहाँ से अपना कोई भी चीज़ उसको डाउनलोड कर लेगा। तो आप यहाँ से लिंक भी दे सकते हैं, इसको डिलीट करना है, सिलेक्ट करता हूँ मैं इसको, और यहाँ पे डिलीट भी कट बटन पे क्लिक करता हूँ, ये डिलीट हो जाएगी। चॉइस पे क्लिक करें तो ये यहाँ से भी डिलीट हो जाएगी, बिल्कुल फ्रेश में आ गया, और यहां से इस पे क्लिक करके आप यहां से डिलीट फॉर एवर पे क्लिक करें तो यहां से भी डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आप बस ये यहां पे गूगल ड्राइव के बाद आप बस यहां पे कैलेंडर है, क्लिक करें, आप कैलेंडर यहां से आप देख सकते हैं, कैलेंडर के बाद आप यहां पे क्लिक करें तो आपके पास है यहां पे गूगल है, क्लिक करें आप गूगल सामने आ जाएगा, इससे आप कोई भी चीज सर्च करना चाहें आप सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं आपका कैलेंडर है, ये खुद भी आप क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं, डे वाइज है, वीक वाइज है, मंथ वाइज है कैलेंडर। मंथ वाइज है, 4 डे वाइज है, मंथ वाइज पे क्लिक करें, मंथ वाइज आपका कैलेंडर आ गया। इसमें जो भी चीज आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, देखें यहाँ पे आप ऐड करना चाह रहे हैं कुछ, कोई इवेंट्स वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं आप ऐड कर सकते हैं। गूगल यहाँ पे आ गया है, गूगल से आप सर्च कर सकते हैं, देखें जो भी चीज सर्च करेंगे वापस यहाँ पे सामने आ जाएगा, और आपका अपना अकाउंट भी यहाँ पे सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद है ट्रांसलेट, क्लिक करें आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को, इंग्लिश को मैं यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट करता हूँ, इंग्लिश को मैं ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ किसमें, यहाँ से आप अरेबिक की और काफ़ी सारी लैंग्वेज आप यहाँ से जो भी सिलेक्ट करेंगे आपका सिलेक्ट हो जाएगी। मैं इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो, हेलो लिखा हुआ आ गया, देखिए उर्दू में, मैं तैमूर हूँ, देखें तो यहाँ पे ट्रांसलेट करके दे दिया, आप यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं, इंग्लिश टू उर्दू करना चाहें इंग्लिश टू उर्दू कर सकते हैं। आप इसको यहाँ पे मूव करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें, ये आप यहाँ पे जो भी चीज़ लिखेंगे इंग्लिश टू उर्दू आप यहाँ पे मूव कर सकते हैं, ये आपका कीबोर्ड है, उर्दू पे क्लिक करें, उर्दू कीबोर्ड आपके पास आ गया, देखें मैं देखो यहाँ पे लिखा हुआ गया, तो आप यहाँ से जो भी चीज लिखेंगे आप यहाँ से लिख सकते हैं, और इसे मूव भी कर सकते हैं यहाँ से। तुम कौन हो, देखिए तो यहाँ पे ट्रांसलेट करके आपको बता देते हैं, तो आप यहाँ से ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपका गूगल के फंक्शन है।
फोटोज वगैरह आप अपलोड करना चाहें, देखना चाहें, फोटो आप अपलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लिक करें क्रिएट एल्बम। अब ये एल्बम में देखें, इनको आप यहाँ पे सिलेक्ट करें, ये ड्रैग होके यहाँ पे आ गए, देख सकते हैं। नाम इनको दे दे, टैमू परवेज। गूगल में आपसे शेयर कर दें, पोस्ट कर दें गूगल में। अब यहां से देखिए फोटोज पे भी काम कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जरा, गूगल के अंदर इमेज में आप सर्च करें तो आपको देखिए चीजें भी आ जाएंगी। ये आ गया था, ऊपर भी देख सकते हैं ये आ गया। ये कंप्लीट मेरे मुझसे रिलेटेड जितनी भी चीजें यहाँ पे सामने आपको सारा मिल जाए। अब ये देखिए ये मेरे कुछ लेक्चर हैं, ये मैं हूँ यहाँ पे, इमेज है तो ये रिलेटेड इस वीडियो पे क्लिक करें तो मुझसे रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे वो सामने आपके आ जाएंगी। अभी टाइम ले रहा है डाउनलोड होने में, डाउनलोड होने के बाद जब ये आपका सामने इंस्टॉल हो जाएगा, आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल होते हुए ये आपका ऐसा एक फोल्डर सामने आ जाएगा इस तरह वन ड्राइव में। आपने कोई भी चीज जो है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में कोई चीज कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मूव करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप से मैं इन चीजों को सिलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कॉपी एंड इनको मैं मूव करूंगा जी वन ड्राइव में, यहाँ पे मूव करता हूँ, कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ, तो मेरे पास पेस्ट हो गया और ये क्या हो जाएंगी, अपलोड हो जाएंगी मेरी ड्राइव में। तो इसी तरह आप इसको कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये आपस अपलोड हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेसन, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।